ओडिशा से यह बड़ी खबर आ रही है। यहां के कटक में ट्रेन हादसा हुआ है, पटरी से उतरी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, भीषण कोहरे के कारण हुआ यह भी हादसा। हादसे में 20 यात्रियों के घायल होने की खबर। सलगांव नेरगुंडी स्टेशन के बीच की यह पूरी घटना। हालांकि शुक्र इस बात का है कि कोई हताहत इसमें नहीं हुआ है, लेकिन 7 डब्बे पटरी से जरूर उतरे हैं। उड़ीसा के सलगांव के आसपास ये लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसके 7 डिब्बे पटरी से उतरे, जिसमें करीब 20 लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं मिली है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है रेलवे की ओर से। आपको बता दें कि सुबह लगभग 7 बजे लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद उसके 8 डब्बे पटरी से उतर गए। घटना के बाद रेल प्रशासन मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन अपना छेड़े हुए है। घायल यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकाला जा रहा है, अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।